अगर आपको भी लेबनान के उन फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं जो कि आप नहीं जानते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप जो है लेबनान जो कंट्री है उसके रिलेटेड इस वीडियो में जो है फैक्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है ज़रूरी जानना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले बता दूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिएगा। करने का फ़ायदा यही होता है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डेली अपलोड करता हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आपके मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, जिसमें भी यूट्यूब देखते हैं उसके होम पेज पर नज़र आ जाएगी और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है लेबनान जो है ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ की जो है आबादी वो 62 लाख के करीब है। 55% यहाँ मुस्लिम रहते हैं और 40% क्रिश्चन, और जो बाकी के जो हैं वो अदर रिलीजन जो है रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर जो है जो क्रिश्चियन है यहाँ पर पहले जो है इनका जो है बहुत बड़ा दबदबा था, लेकिन अभी यहाँ पर मुस्लिम का अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 11th century के बाद यह मुस्लिम का अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी दबदबा है, ठीक है। मिडिल ईस्ट की सबसे ज़्यादा जो है पुरानी कंट्री है। यहाँ पर एक वुड भी नहीं पाया जाता है और यहाँ कोई डेजर्ट भी नहीं है, वरना और जो अरब की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वुड भी होते हैं और डेजर्ट भी होते हैं, ठीक है। और ये जो है 7000 साल पहले जो है इससे पुरानी जो है ये कंट्री है। यहाँ पे जो है इसका जो 4000 साल से इसका कोई नाम चेंज नहीं हुआ है। बाइबल में जो है 70 बार जो है इस कंट्री का जो है जिक्र आया है, ठीक है। ओल्ड बुक में जो है इसका जिक्र आया है, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा जो इसमें जो जो इनविट जेसस हैं, जेसस ने पहला जो है वो लेबनान में ही जो है अपना जो इन्वेंशन जो किया था वो यहीं पर किया था, ठीक है। जेसस का इन्वेंशन यहीं पर हुआ था। और यहाँ की जो बेरूत, यहाँ की जो कैपिटल है वो बेरूत है, और यहाँ पे जो है ये 7 बार बर्बाद हो चुका है और 7 बार जो है प्रोड्यूस हो चुका है। और यहाँ पर जो है एक किदार नाम का जो है एक पेड़ आप बोल सकते हैं उसको जेसस ने अपने हाथों से बनाया था, और इसको जो है ईश्वर का देश भी बोला जाता है, ठीक है। ईश्वर का देश भी इसको आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर 2009 में बेरूत जो है फर्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है फर्स्ट टूरिस्ट प्लेस जो है इसका बना था ये, ठीक है ना। 2009 में जो है जो बेरूत था ये पहला जो है टूरिस्ट प्लेस बना, ठीक है। और यहाँ बात कर लेते हैं आपकी जो है यहाँ सेकेंड वॉर के बाद यहाँ पर लेबनान जो है फ्री हुआ था, और यहाँ पर 18 जाति के लोग जो है रहते हैं, और संविधान जो है इन मिडिल ईस्ट में सबसे पहले यहीं पर आया। और जो है यहाँ पर यह है कि अगर आप मुस्लिम अगर प्राइम मिनिस्टर है तो क्रिश्चियन जो है राष्ट्रपति होगा, और इस तरीके से वो एक को जो है ये पद देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 1948 के बाद जो है इसराइल से जब इनका युद्ध हुआ था तो इसराइल यहाँ पर आए थे लेबनान में, और 4 लाख जो है रेफ्यूजी अभी भी वहाँ पर रहते हैं, और रहने के बाद जो है वो उनको काम की अनुमति नहीं थी, लेकिन अभी वहाँ पर वो काम भी कर सकते हैं। लेबनान आए थे इसराइली जो थे यहाँ पर जो है आए थे लेबनान 1948 में जब इनका युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा 2005 से पहले इजरायली जो है यहाँ पर काम नहीं कर सकते थे नेशनलिटी के अलावा, लेकिन अब जो है वहाँ पर वो काम भी कर सकते हैं। जो रेफ्यूजी मैं बता रहा हूँ 4 लाख रेफ्यूजी, अब वहाँ पर वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ का जो बैंक सिस्टम है वो बहुत अच्छा जो है। लेबनीज में पाउंड जो है चलता है। 95% यहाँ पर जो है लोग एजुकेटेड हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है यहाँ की जो है 2013 में जो है मैथ एंड साइंस में जो है नंबर वन आया था ये, ठीक है, 2013 में। और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर प्राइवेट स्कूल जो है 70% प्राइवेट स्कूल हैं, और यहाँ की जो लैंग्वेज है लेबनीज और अरबिक है, ठीक है। 70-80% यहाँ पर जो है फ्रेंच जो है सिखाई जाती है, बोली जाती है स्कूल में, और 20 जो है जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है 20% यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। और यहाँ का जो ला इंस्टीट्यूट है वो सबसे पहला जो है बेरूत में ही है,
ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट मैंने जो है आपको इससे रिलेटेड बता दिया। अगर आपको इसमें और कुछ भी जो है समझना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछिएगा, या आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपकी और जो भी क्वेश्चन क्योरी हो जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ, और आपकी जो भी क्वेश्चन क्योरी हो उसे मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नए हैं चैनल पर तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब को करना ना भूलें, क्लिक करना, और जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका पता चल सके, दूसरे लोग आगे दूसरे लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर सकें। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।